बॉक्सिंग के रिंग में बड़े बड़ों के छक्के छुड़ाने वाला ये खिलाड़ी आज कुल्फी बेचने को मजबूर है। बॉक्सर दिनेश, जो कि कई अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन कर चुका है, इन दिनों कुल्फी बेच बेच कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। बता दें, बॉक्सिंग के दौरान दिनेश को चोट लग गई थी और बेटे का इलाज करवाने के लिए उसके पिता ने पैसे उधार लिए थे। पारिवारिक स्थिति कमजोर होने की वजह से वो उस उधार को नहीं चुका पाए। कारण ये है जी, इसको तो नौकरी नहीं मिली और बड़ा अच्छा प्लेयर था ये, है जी। और मैं अपनी मजदूरी करता हूँ, कुल्फी की रेड़ी लगाता हूँ। जब ये विदेश में खेलने के लिए गया, लाखों रुपये मैंने कर्जा उठाया। पहले सिलारू गया, वहाँ पे कर्जा उठाया, फिर दूसरे देश में गया, वहाँ पे कर्जा उठाया। आज तक वो मेरी कमर टूट गई, मेरी उम्र होगी 62 साल की। अब मैं कमाने के लायक भी नहीं रहा। इसकी माता जी है वो मनोरोगी है, उसका भी इलाज करवाता हूँ मैं। और इसको जो है ना, मैंने कह दिया कि ठीक है भाई, तो मेरी हेल्प कर भाई, कुल्फी बिकवा भाई, तो शाम को 2 पैसे कमाओ, ये 150 रुपये कमा लेते हैं, तो अपना घर चल जाता है। अब आगे सर्दी आ रही, सर्दी में कोई हमारे से काम बनता नहीं। यही प्रार्थना है जी, अगर इसको कोई नौकरी दे दे, ये पैरों खड़ा हो जाए, हमारा आखिरी सहारा यही है। अब सरकार से ये प्रार्थना है, देखो जी, बच्चों को जो है ना सर्विस दें, तो आगे भी जो ये बढ़ सके, है जी, और हमारा कर्जा भी उतर जाए। खेल में कोई कमी नहीं है, अब भी बेचारा छोटे छोटे बच्चों को फ्री में देता है ट्रेनिंग। जब भी तुम तो बढ़ो, मेरे साथ तो ये भेदभाव कर रही है, मेरे को नौकरी नहीं दे रही, इसको नौकरी दे दे, मेरी ये प्रार्थना है सरकार से। वहीं दूसरी ओर चोट लगने के कारण दिनेश भी अब नहीं खेल पा रहा। मजबूरी इतनी बढ़ गई कि अब दिनेश प्रतिदिन रेलवे फाटक के पास रेहड़ी लगाकर कुल्फी बेच रहा है, जबकि दिनेश कई अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन कर चुका है। इसके बावजूद एक खिलाड़ी की ऐसी दयनीय हालत देखकर ये विचार बार बार जहन में आता है कि सरकार द्वारा खिलाड़ियों के लिए किए गए सारे दावे फेल साबित हो रहे हैं। वहीं दिनेश का कहना है कि उसने खेलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, खूब नाम कमाया और देश को 17 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर व 5 ब्रांज मेडल दिए। प्रशासन के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए दिनेश ने कहा कि ना तो पिछले सरकार ने उसके लिए कुछ किया और ना ही इस सरकार ने, जिसकी वजह से आज वो कुर्सी बेचने पर मजबूर है। जी नमस्कार, मेरा नाम दिनेश है, मैं बॉक्सिंग प्लेयर हूँ और मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट अच्छी की थी, अच्छी शुरुआत की थी। मैंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया है और काफ़ी मेडल मैंने प्राप्त किए हैं, लेकिन मेरी आज आर्थिक हालत इतनी ख़राब हो गई है कि मुझे पापा ही सारे रेडी पे फूल रेडी नहीं पड़ रही है। पापा ने मुझे पार्ट भेजने के लिए या फिर मेरी डाइट का असर उठाने के लिए काफ़ी कर्जा लिया है, जो जिसके कारण घर से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ हो गया है। और अब मैं चाहता हूँ कि मैं उनके साथ हेल्प करूँ, इसलिए मुझे पापा ही सारे फूल रेडी पड़ रही है। मुझे पिछली सरकार या मुझे जो अभी बीजेपी सरकार आई, इसमें मुझे कोई भी सहायता इस तरह से मुझे नहीं मिली है। आगे भी मैं चाहता हूँ कि आगे मेरी जो बात है आगे जाए और मुझे किसी भी तरह से मुझे सहायता मिले कि मैं आगे गेम स्टार्ट करते हुए मुझे कुछ वगैरह मिल सके। सोचने वाली बात यह है कि एक खिलाड़ी जिसने कभी अपनी हिम्मत का लोहा मनवाते हुए देश प्रदेश का नाम रोशन किया, आज वही खिलाड़ी दर दर भटक कर कुल्फी बेचने को मजबूर है। एक खिलाड़ी की ऐसी हालत देख ये सवाल बार बार मन में आता है कि क्या ये है एक खिलाड़ी का भविष्य। इंडिया एक्सप्रेस के लिए भिवानी से अमन शर्मा की रिपोर्ट।